हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अनूप और आप देख रहे हैं गेमिंग अनूप यूट्यूब चैनल। तो आज के एक नए वीडियो पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए हो तो मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ। और ये जो बैकग्राउंड में जो वीडियो चला है तो अगले वाले वीडियो का है, तो मेरे को समय नहीं मिला, मैं पुश वगैरह कर रहा हूँ। और जो आज का वीडियो है वो है कौन सा कैरेक्टर जो ज़्यादा बेहतर है, हमारा नया कैरेक्टर के या हमारा आलोक चाचा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो है, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो जरूर से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। और दो तीन दिन चार दिन लगता है मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बंगाली का फेस्टिवल दुर्गा पूजा जो है शुरू हो चुका है, तो कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पर बिजी होऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात करें तो ये जो काम है इसका जो है आपको ईपी देता है। अगर आपका कैरेक्टर जो है मैक्स हो जाता है, तो मेरा तो मैक्स नहीं हुआ, 4 लेवल का है इसलिए 130 ईपी दे रहा है। और ईपी का जो है ईपी अगर 130 हो जाए और एक जो बटन है उसका दबा के रखे हो, तो आप लोग को अगर कोई एनवी मारता है और डैमेज पड़ता है ऑटोमेटिकली जो है ईपी एच पे कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे लिखा है तो दो ईपी एवरी 2.4 सेकेंड, लेकिन मैंने देखा है जो 1 सेकेंड में ऑलोक जैसा 5-5 करके एच पी देता है। तो आप लोग को ये चीज़ अगर यकीन नहीं आती तो मैं दुर्गा पूजा के बाद जो है हमारा फेस्टिवल हो जाने के बाद एक वीडियो लाऊंगा, तो क्या गेम प्ले के अंदर। तो यहाँ पर ही था इसका एबिलिटी, और इसका एबिलिटी जो है बहुत ही खास है। कहीं बोले ओलुक जब नया नया आया था जो उसका जैसा काम था, तो ओलुक जो देता है वो है 50 मतलब 5 करके 10 सेकेंड मतलब 50 एचपी देता है। और ये जो कैरेक्टर है आप इसका अगर एक मैक्स करके तो इसका 250 एचपी हो जाता है, ईपी हो जाता है सॉरी। तो अगर आप 250 ईपी फुल करके रखे हो और अगर इस बटन को दबा के रखो, अगर आपको कोई एनिमी मारता है तो ऑटोमेटिकली जो है ईपी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ ही लेना। तो मेरे को लगता है कि ओलोक से ज़्यादा जो है इस कैरेक्टर का क्या बोले भाई अच्छा है, इस कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन ओलोक जो है आपको 15% जो है मूवमेंट स्पीड देता है, तो यहाँ पर उसकी ही कमी है। लेकिन एचपी में तो बहुत अंतर है, तो एक कैरेक्टर जो है 150 तक एचपी आप लोगों को दे देता है। तो इसलिए मुझे इस जो कैरेक्टर है टीम मतलब के जो वो ओलोक से ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप भी बता देना आप लोगों को क्या अच्छा लगा। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा जो है एक बुइया का इवेंट आ चुका है गेम पे। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं देख देता हूँ, ये जो बुइया एक रिपोर्ट है मतलब कहे बताओ। चलिए मैं बुइया को ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है 12 डेज दिखा रहा है। इधर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक इन एक्सचेंज वेब इवेंट, अब वेब इवेंट में जा सकते हो। तो यहाँ पर एक मार्क्स दे जा रहा था, तो यहाँ पर जो है बुइया 3 किल करने के बाद, नहीं 12 किल और बुइया वगैरह कुछ है 3-5 फ्रेंड के साथ खेलना है। तो ये सब करने के बाद ये जो मैंने मास्क पहन के रखा है वो वाला मास्क दे रहा है, बहुत ही अच्छा मास्क है, स्काल मास्क की तरह एकदम मस्त वाला मास्क। तो ये आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप ज़रूर ले लेना। और ऊपर पे जो बुइया रिपोर्ट वाला सेक्शन है, तो ये जो बुइया रिपोर्ट है तो मेरे को जो है प्राइस मिल चुका है, तो इसलिए नहीं कुछ हो रहा। तो यहाँ पर जो है बुइया रिपोर्ट है, इस पर आप एंटर करके देख सकते हो। 1 साल का दिखाएगा बुइया रिपोर्ट, आप किसके साथ खेला हो ज़्यादा, आप किन किल मतलब कौन सी गन से ज़्यादा किल किया हो। तो मैं आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है फेवरेट जो दिखा रहा है MP40, मैं MP40 से ज़्यादा किल करा हूँ 1 साल में। तो मेरा यहाँ पर किल है 28,154 मतलब इसका हिंदी मुझे नहीं पता सॉरी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करके यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा नेट जो है स्लो है, तो क्लासिक रैंक कितना ज़्यादा मैंने रैंक मैच जो है 5,000 किया है, और जो कैजुअल मैच है क्लासिक जो 1,000 खेला है, और जो 1,000 कैजुअल मैच खेला है वो मैंने नहीं खेला, मेरा बहन ने खेला है। तो मैं जब ऑफ रखता हूँ तो मेरा बहन खेलता है क्लासिक। तो क्लास स्क्वाड भी मैं भी क्लास स्क्वाड रैंक जो है मैं खेलता हूँ, और
अरे हमने जो कैजुअल मैच होते हैं वो मेरा बहन खेलता है, तो मैं जब टीवी वगैरह देखता हूँ तो मेरा फोन लेके वो खेलता है, तो मैं किस किस लोगों के साथ खेला हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना मिनट जो है सर्वाइव किया हूँ, सब कुछ ये देख सकते हो यहाँ पर। आप भी जाके आप देख सकते हो, व्हाट्सअप फेसबुक में आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो पर इतना ही था, होपफुली आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो पर इतना ही था, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, फिर से मिलूंगा हमारे दुर्गा पूजा के बाद। तो होपफुली आप लोग भी इंजॉय करना अगर आप बंगाली हो, और अगर नहीं बंगाली हो तो भी आप इंजॉय करना, ये जो है इंडिया का त्यौहार है। तो चलिए जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।